गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल बेटे हमने कवि निराला जी के जीवन परिचय के बारे में चर्चा की थी और उनके जीवन के जो आंतरिक पहलू थे उनके बारे में हमने कल बातचीत की थी। साथ ही वो एक महान कवि हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक हैं, छायावादी कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक हैं वो। ऐसी उनके जीवन की अनेक बातें कल आपसे डिस्कस हुई थी और आज हम उनकी कविताओं के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे पाठ्यक्रम में जोड़ी गई है। कल हमने जिक्र किया था कि निराला जी का स्वभाव है वो स्पष्टवादिता वाला है, वो जो भी कहते हैं सबको स्पष्ट कह देते हैं। इसी कारण लोग उनके विरोधी भी हो गए थे। दूसरी बात, उनके परिवार के एक-एक सदस्य की मृत्यु समय से पहले हो गई थी, जिन्होंने उनको अंदर तक तोड़ दिया था और लगभग 61-62 अबाउट एज में उनकी मृत्यु हो गई जी। लेखक ने कवि के जीवन के बारे में बताया है कि वो जो कविताएं लिखते हैं उन कविताओं में समाज में जिन गरीबों का शोषण हो रहा है, जिन पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके फेवर में अपनी कविताओं को वो मुखर करते हैं, अपना भाव प्रकट करते हैं। साथ ही उन पर जो शोषण करने वाले हैं, अत्याचार करने वाले हैं, जो सत्ता के पक्ष में काम करते हैं, ऐसे लोगों के प्रति उनकी कविताओं में प्रचंड प्रतिकार का भाव भी हमें देखने को मिलता है। अर्थात ऐसे लोगों का वो विरोध करते हैं, ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं। वे चाहते हैं कि समाज में ये अमीरी गरीबी हो ही ना, सभी मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहें जी। तो अब हम करेंगे अपनी कविताओं की भूमिका। पहली हमारी कविता है जो पाठ्यक्रम में, उसका नाम है उत्साह। उत्साह एक आह्वान गीत है। आ है हलंत है, वह बीचे नीचे जुड़ा हुआ, इसमें आह्वान होता है बुलावा देना, किसी को अच्छे काम के लिए पुकारना, एड्रेस करना, एक तरह से यूं समझ लीजिए। आप जैसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई मोदी जी की बात करूं या किसी बड़े नेता की बात करूं या किसी अध्यापक की बात करूं और वो अच्छे काम के लिए आपको एड्रेस करता है कि बेटा हमें ये अच्छा काम करना है, इसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है, तो वो एक तरह से आह्वान कहलाता है। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादलों को संबोधित है। अर्थात इस कविता में कवि ने बादलों को बुलाया है, उनका आह्वान किया है। बादल निराला का प्रिय विषय है। अर्थात कवि निराला ने बादलों को आधार बनाकर एक कविता उत्साह ही नहीं लिखी है, अपितु कई और भी कविताएं उन्होंने लिखी है जो बादलों से ही संबंधित है। अर्थात बादल उनका प्रिय विषय है जिन पर वो कविताएं अक्सर लिखते थे जी। कविता में बादल एक तरफ जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, प्यासे जन की आकांक्षा, आकांक्षा होती है इच्छा, को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। कवि आगे कहते हैं कि बादलों की मेरे हिसाब से दो विशेषताएं हैं। पहली विशेषता यह है कि अगर कोई पीड़ित है या कोई प्यासा है तो उस जन की, उस आदमी की आकांक्षा को, उसकी इच्छा को बादल पूरा करता है। अर्थात जैसे प्रकृति सूख रही है, प्यासी है, मनुष्य प्यासे हैं, फूल पौधे प्यासे हैं, तो बादल बरसकर उन पीड़ितों को, उन प्यासों को जल प्रदान करके उनकी आकांक्षा, उनकी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विध्वंस होता है विप्लव करना, विनाश कर देना, नष्ट कर देना, विप्लव
और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। अर्थात एक तरफ जहां उसमें सॉफ्टनेस है, प्रेम है, सबके लिए सबकी मदद करने का भाव है, वहीं कवि कहते हैं कि उनके अंदर क्रांति करने वाला भाव भी है। अर्थात समाज को बदलने की क्षमता, वो क्रोध, वो ओज, वो जोश, वो उत्साह भी उस बादल के अंदर है। अर्थात दोनों रूपों में कवि बादल को हमारे सामने लेकर आते हैं। कवि जीवन को व्यापक, व्यापक होता है बहुत बड़े रूप में, और समग्र, समग्र होता है चारों तरफ से, दृष्टि से देखता है, बड़ी दृष्टि से देखता है। अर्थात उनका मानना है कि जो जीवन है वो बहुत बड़ा है। कुछ आदमी मानते हैं कि जीवन बड़ा छोटा होता है, थोड़ी सी हमारी जिंदगी होती है, कवि का ऐसा मानना नहीं। और वो कहते हैं कि जीवन को हमें समग्र दृष्टि से देखना चाहिए, इस जीवन के अनेक पहलू होते हैं, उन सभी पहलुओं को हमें जीने की कोशिश करनी चाहिए। कविता में ललित कल्पना, जिसको आप सॉफ्ट इमेजिनेशन कह सकते हैं, और क्रांति चेतना दोनों है। एक तरफ तो वो बादलों को सॉफ्ट नेचर के रूप में हमारे सामने लेकर आते हैं, दूसरी तरफ क्रांति की चेतना भी वो बादलों में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थात जैसे आपने देखा कि आजादी का आंदोलन चला हुआ था, उस आंदोलन का नेतृत्व कुछ लोगों ने किया था जो अपने भाषणों से, अपनी बातों से, अपने लिखे हुए वाक्यों से या कविताओं से या मैसेज से लोगों के अंदर क्रांति का भाव भरते थे, अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ने की विचारधारा उनके मन में थी। तो यही बात वो कहते हैं कि बादलों के अंदर भी ललित कल्पना है, साथ ही क्रांति का भाव भी उसके अंदर बसा हुआ है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। कवि कहते हैं जब समाज में हम क्रांति लाना चाहते हैं, कोई आंदोलन चलाना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, या समाज को बदलना चाहते हैं, समाज को बदलने का मतलब क्या है, समाज में समय के अनुसार कुछ ना कुछ खामियां आनी शुरू हो जाती हैं, कुछ कमियां आ जाती हैं, तब साहित्य उस समाज में बदलाव ला सकता है। आपने कई बार सुना होगा कि जो कलम होती है उसकी ताकत तलवार से भी ज्यादा होती है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कि समाज में क्या क्या घटित हो रहा है। आपने नेताजी का चश्मा आपने पढ़ा, जो एक कहानी थी, उसमें आपने देखा कि कैसे छोटे छोटे कामों के माध्यम से भी हम अपने देश के प्रति विश्वास, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति अपनी आस्था, भक्ति भाव प्रकट कर सकते हैं। तो ये हमारे मन में जो सूक्ष्म बदलाव आते हैं, जो छोटे छोटे चेंजेज हमारे मन में आते हैं, वो साहित्य के माध्यम से ही संभव हो पाता है। उसके बाद आपने देखा कि बाल गोविंद भगत एक ऐसे व्यक्ति तो है लिटरेचर में हमारे, जो ऐसा सामान्य जीवन जीते हैं जिसको देखकर लोग हैरान रह जाते हैं, जिसके मन में कोई लोग लालच नहीं है। अर्थात साहित्य में जब लेखक या कवि कुछ ऐसी रचनाओं को लिखते हैं तो वो धीरे धीरे समाज को बदल देते हैं। आज बेटा जो आप मूवीज देखते हैं, उन मूवीज में आप क्या देख पाते हैं कि अनेक प्रसंग ऐसे उठाए जाते हैं जो समाज में आज बुराइयां बनकर उभर रहे हैं, और उन फिल्मों में हम देखते हैं कि वास्तव में ही बुराई है, और हम उसके विरोध में खड़े होने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में ही ऐसा हो रहा है, इस समाज को बदलने की जरूरत है। तो यही काम हमारा साहित्य का भी होता है, जो धीरे धीरे बदलाव लाता है। आप यकीन मानिए, अनेक नॉवेल्स ऐसे लिखे गए हैं जिन पर मूवीज बन चुकी है, और जो एक क्रांति का काम हमारे जीवन में कर पाई है। निराला इसे नव जीवन, नया जीवन और नूतन कविता, एक नई कविता के संदर्भों में देखते हैं। कवि कहते हैं कि जो साहित्य होता है वो आदमी के जीवन में एक नए जीवन का उदय करता है, नया जीवन पैदा करता है उसके मन में। अर्थात जो जीवन दुखों से भरा हुआ था या जो समाज में बुराइयां थी, उस जीवन को बदलने की क्षमता साहित्य में होती है, और उसके बाद जब समाज में बदलाव आ जाता है तो मनुष्य का एक नया जीवन शुरू होता है, और नई कविता भी
इसी ओर इशारा करती है। अर्थात कवि भी चाहते हैं कि मैं कोई ऐसी नई कविता लिखूं जिसमें समाज की बुराइयों का वर्णन हो, अच्छाइयों की तरफ मैं उनको ले जाने की कोशिश करूं, और ऐसा करने से लोगों के जीवन में बदलाव जरूर आएगा, कवि का ऐसा विश्वास है। दूसरी जो आपकी कविता है, अट नहीं रही है, ये भी प्रकृति को समर्पित है उनकी कविता। इसमें उन्होंने फागुन मास की सुंदरता का वर्णन किया है। आपको पता है कि जो फागुन का महीना होता है वो सबसे अच्छा महीना माना जाता है, क्योंकि प्रकृति हरी भरी हो जाती है, नेचर बड़ी सुंदर हो जाती है, पक्षी आकाश में उड़ने शुरू हो जाते हैं, फूलों में चमक आ जाती है, रंगत आ जाती है, खुशबू आ जाती है, धीमी धीमी हवा बहनी शुरू हो जाती है, फूलों की सुगंध ही सबके घरों में चली जाती है। तो वो सारा वर्णन कविता में कवि ने हमारे सामने किया है। अट नहीं रही है, अटना प्रवेश करना, शरीर में घुस जाना हमारे। कविता फागुन की मादकता, मादकता का मतलब होता बेटे नशा, यहाँ पर अर्थ है प्रेम भाव हमारा, अर्थात प्रकृति की सुंदरता को हम एक नशे में झूम उठते हैं, हमें एक आनंद की अनुभूति होती है, उस आनंद को ये कविता हमारे सामने लेकर आई है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। कवि कहते हैं जो फागुन की सुंदरता है वो सर्व सब जगह व्यापक फैली हुई है, फागुन की सुंदरता सब जगह फैली हुई है, और वो उसको अलग अलग संदर्भों में अलग अलग तरीके से उसको देखने की कोशिश करता है। कवि आगे कहते हैं जब मन प्रसन्न हो आदमी का, जब मन खुश हो उसका, तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। अर्थात जब हमारा मन खुश हो तो ऋतु चाहे कोई भी हो, चाहे गर्मी की ऋतु हो, चाहे सर्दी की ऋतु हो, चाहे वर्षा ऋतु हो, तो हमारा मन प्रसन्न होता है। अगर हमारा मन दुखी होता है किसी वजह से तो फागुन की सुंदरता भी हमें खुशी प्रदान नहीं कर पाती है। उदाहरण के लिए बेटे आप समझे कि जब कोई गांव में शहर में कोई ब्याह शादी होती है और जब फेरे होते हैं, फेरे पर आपने देखा कि दुल्हन पक्ष वाली जो औरतें होती हैं वो दूल्हे पक्ष वालों को तरह तरह की गालियां देती हैं, अलग अलग तरह के कमेंट करती हैं, लेकिन उनको कोई भी बुरा नहीं मानता है, अभी तो उनको सुनकर भी उनको एक खुशी मिलती है। क्यों? क्योंकि सब जगह माहौल क्या होता है, खुशी का, आनंद का, विवाह का माहौल होता है। अर्थात जब हमारा मन प्रसन्न होता है तो चारों तरफ हमें खुशियां ही खुशियां दिखाई देनी शुरू हो जाती है। सुंदर शब्दों के चयन चुनाव किया है कवि ने, एवं लय। आपको मैंने जिक्र किया था कि निराला है वो एक अच्छे संगीतकार भी रहे हैं, इसलिए उनकी जो असंख्य कविताएं हैं उनमें संगीतात्मकता अपने आप ही आ गई है। वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, अगर कोई संगीतकार जैसे हम दीपक सर की अगर बात करें तो उनको अगर इन कविताओं का जिक्र कर दिया जाए, उनको दे दी जाए, तो इनको वो संगीतबद्ध अच्छे से कर पाएंगे। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। अर्थात कवि ने इसमें लय भरी है कविता में, सुंदर शब्दों का चुनाव किया है। ऐसा करने से जैसे फागुन का मास सुंदर होता है, वो सॉफ्ट होता है, ललित होता है, वैसे ही यह कविता भी सॉफ्ट स्वभाव वाली है, हमारी सुंदर शब्द चयन वाली है ये कविता। तो ये बेटे दोनों कविताओं की आपकी भूमिका थी। आज हम आगे शुरू करेंगे, हमारी पहली कविता है उत्साह। उत्साह का मतलब आप समझ पा रहे हैं, जोश, ठीक है जी। तो इसमें कवि ने बादलों को एक उत्साह के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अर्थात जो बादल हमारे मन में एक ऊर्जा भरने की ताकत रखते हैं, जोश भरने की ताकत रखते हैं, हमें उत्साहित करते हैं। आपने देखा होगा जैसे टीवी पर या स्टेडियम में हम क्रिकेट का मैच देखते हैं, जब वो क्रिकेटर खेलते हैं या दौड़ते हैं बॉल को उठाने के लिए, या वो चौके छक्के मारते हैं या दौड़कर रन लेते हैं, तो हमारा शरीर अपने आप ही एनर्जेटिक हो जाता है, उत्साहित हो जाता है, हमारे अंदर जोश भर जाता है। तो ऐसी ही कल्पना कवि बादलों में भी करते हैं। इस कविता के दो अर्थ निकलेंगे, अर्थात इसमें प्रतीकात्मकता है, लक्षणा शब्द शक्ति है। अर्थात यहां पर कवि ही
बादल है, अर्थात जो काम बादल करते हैं समाज को बदलने का, दूसरों की सेवा करने का या क्रांति का भाव पैदा करने का। बादलों को दो रूप में चित्रित किया गया जी, एक तो ललित कला के रूप में जो सॉफ्ट नेचर को लेकर आए हैं, जहां पर वो पानी के माध्यम से प्रकृति की या लोगों की प्यास बुझाते हैं। दूसरी तरफ जब वो गड़गड़ाहट करते हैं, बिजली चमकती है तो लोगों के मन में एक भय पैदा हो जाता है, ऐसा भय जैसे कोई नेता क्रांति का संदेश लोगों को देता है और सामने वाले शत्रु के मन में एक डर पैदा हो जाता है, जैसा डर अंग्रेजों के मन में पैदा हुआ था लोगों की क्रांति की चेतना को देखकर, और वो देश को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। तो ऐसी ही कल्पना, ऐसा ही उत्साह कवि बादलों में भी देखते हैं, और कवि स्वयं को बादल ही मानते हैं। अर्थात वो चाहते हैं कि जैसे बादल समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, ला देते हैं, वैसे ही मैं भी कोई ऐसी कविता लिखूं जो समाज को बदल कर रखे। लोगों के मन में जो हिंसा का भाव फैला हुआ है, मरने मारने की बात कर रहे हैं, जैसे आज आपने देखा बेटे कि कहीं ना कहीं पूरा विश्व एक संगठित होता जा रहा है, कहीं तीसरी विश्व युद्ध की तरफ इशारा ना हो रहा हो। तो ऐसी स्थिति में ये कविता हमें एक विशेष अर्थ प्रदान करती है, विशेष भाव प्रदान करती है, हम उस संदर्भ में इस कविता को प्रेरित रूप में देख सकते। चलिए बेटे कविता शुरू करते हैं। कवि कहते हैं, बादल गरजो। थोड़ा ध्यान से देखना बेटे, क्योंकि शब्द थोड़े कम हैं और संस्कृत के शब्द भी हैं। अगली बात क्या है कि लक्षणा शब्द शक्ति प्रतीकात्मकता सिंबोलिकल वर्ड्स हैं, तो हमें गहरे अर्थ निकालने पड़ेंगे, एक शब्द के दो दो अर्थ भी निकलेंगे, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना, और पेंसिल हो तो लिखने की कोशिश भी कर सकते हैं या कॉपी का प्रयोग कर सकते हैं आप। कवि कहते हैं, बादलों आप गरज कर बरसने के लिए आ जाओ, अर्थात लोगों में उत्साह पैदा कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि लोग सोए पड़े हैं, हतोत्साहित है, निराश होकर बैठे हैं। घेर घेर घोर गगन धारा धर ओ, घेर घेर एक शब्द दो बार आया है, अर्थात पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है जी यहाँ पर। घेर घेर घोर गगन, घेर र र और र, तीन बार र आया है, र की आवृत्ति होने से यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार भी है। धाराधर तत्सम शब्द है बेटा, बादल होता है, ओ होता है संबोधन। आपने कारक चिन्ह पढ़े होंगे, कारक चिन्ह में जो आठवां उसका भेद है वो है संबोधन, उसमें आपने देखा हे अरे ओ, ये ऐसे संबोधित शब्द हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कवि ने बादलों को एड्रेस किया है, उनको संबोधित किया है, अर्थात वो कहते हैं ओ बादलों आप आ जाओ, ये जो बड़ा सा आकाश है इसमें तुम चारों तरफ फैल जाओ, इसको घेर लो, घोर गगन इस बड़े आकाश को तुम आकर घेर लो और बरसात के लिए तैयार हो जाओ। कवि आगे कहते हैं, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो बादल गरजो। कवि आगे कहते हैं, बादलों तुम इस बड़े से आकाश को आकर घेर लो, बरसने के लिए तुम आ जाओ। ललित ललित, तुम ललित स्वभाव के हो, कोमल स्वभाव के हो, अर्थात तुम लोगों की प्यास बुझाने वाले बादल हो, लोगों के दुख पीड़ा को हरने वाले तुम बादल हो। काले काले रंग के हो, घुंघराले घुंघराले बालों जैसा तुम्हारा आकार है। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनके बाल घुंघराले होते हैं, अर्थात वो छल्ले से बने होते हैं, जैसे आपने देखा कि जो क्लाउड्स आकाश में बने होते हैं वो गोल गोल आकार के छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं। ऐसे ही कवि कहते हैं, तुम्हारा स्वभाव ललित है, कोमल तुम्हारा स्वभाव है, क्योंकि तुम लोगों की मदद करते हो हमेशा, और तुम्हारा जो आकार है काले रंग का है, और घुंघराले बालों जैसा तुम्हारा रंग रूप आकार है। बाल कल्पना के से पाले,
बाल कल्पना, बालक के मन की कल्पना इमेजिनेशन। कई बार आपने देखा होगा कि क्लास में हम कुछ पढ़ रहे हैं, टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए उन्होंने महात्मा गांधी का जिक्र कर दिया है कि महात्मा गांधी ने ऐसा किया वैसा किया, हमें भी ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। थोड़े समय के लिए हम उस कल्पना में खो जाते हैं, हम रोमानियत से भर जाते हैं, कल्पना से भर जाते हैं। हम क्या करते हैं, थोड़े समय के लिए हमारा ध्यान महात्मा गांधी की तरफ चला जाता है। क्लास में हम उस समय शरीर से उपस्थित होते हैं, मन से उपस्थित नहीं होते हैं। और फिर हम मन ही मन बैठे बैठे कल्पना करते रहते हैं कि मैं गांधी जी के साथ चल रहा हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। फिर कल्पना करते हैं, अगर मैं उस समय होता, मैं ये कर देता, वो कर देता। अर्थात जो क्लास में एक जिक्र हुआ था महात्मा गांधी के बारे में, हम उससे कहीं दूर चले जाते हैं, कल्पनाओं में खो जाते हैं। ऐसे ही कवि कहते हैं कि जैसे बालकों के मन में कल्पना विस्तृत आकार ले लेती है, बहुत बड़ी कल्पना उनके मन में हो जाती है, वैसे ही तुम भी अपना रूप आकार प्राप्त कर लो, आकाश में छा जाओ। बाल कल्पना के से के समान पाले, पालन पोषण करने वाले। अर्थात बालक की कल्पना के समान तुम्हारा पालन पोषण हुआ है, अर्थात तुम्हारा आकार बालक के मन की कल्पना के समान बहुत बड़ा है। विद्युत बिजली छवि, छवि विद्युत की छवि, बिजली की छवि। आपने देखा कि जब बरसात आती है उससे पहले बिजली चमकनी शुरू हो जाती है। उर्मे अपने हृदय में, अर्थात बादलों तुम अपने दिल में बिजली की छवि छिपा लो, बिजली को छिपा लो। कवि, अरे कवि, नव जीवन वाले, नए जीवन का उदय करने वाले, अर्थात लोगों को नए जीवन की प्रेरणा देने वाले। वज्र, वज्र होता है पत्थर, जिसको हम कहते हैं कठोरता का भाव, छिपा छिपा कर। नूतन, नई कविता, कविता फिर से दोबारा से, भर दो अर्थात लिख दो। मैंने आपको कहा था कि बादल यहाँ पर कवि का ही प्रतीक है, अर्थात कवि ने अपने आप को बादलों के समान माना है। अब इस कविता का सही सही अर्थ समझने की कोशिश करेंगे इन पंक्तियों का। कवि कहते हैं कि जैसे बादलों के अंदर बिजली छुपी होती है, वैसे ही कवि तुम अपने अंदर भी वो ऊर्जा इकट्ठी कर लो, वो एनर्जी इकट्ठी कर लो। कवि नव जीवन वाले, क्योंकि तुम्हें समाज को नया जीवन प्रदान करना है, अर्थात समाज में तुम्हें बदलाव लाना है। वज्र छिपा, कठोरता का भाव छिपा कर, अर्थात अपने अंदर कठोरता का भाव भर के, अर्थात ऊर्जा भर के, क्रांति का भाव भर के। नूतन कविता, नई कविता भर दो फिर से तुम लिख दो। अर्थात कवि अपने आप को संबोधित, खुद को ही संबोधित कर रहे हैं अब यहाँ पर बादल मानकर। वो कहते हैं कि अरे कवि निराला, जैसे बादलों में ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, समाज को बदलने की शक्ति होती है, समाज को नया जीवन देने की ताकत होती है, ऐसे ही वो बिजली का भाव, वो कठोरता का भाव तुम अपने दिल में छिपाकर एक ऐसी कविता लिख दो, एक नई कविता बनाओ, नई कविता लिखो, जिसको पढ़ने के बाद इस समाज में बदलाव आ जाए। कैसा बदलाव? जैसे वर्षा के बाद, बादलों के जाने के बाद समाज में बदलाव हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये भाव इसका है, अर्थात कवि ये अपनी आपसे खुद से इच्छा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि मैं एक ऐसी कविता लिखूंगा जिसको पढ़ने के बाद समाज में बदलाव आ जाएगा। हालांकि बेटे इस कविता का वो अर्थ नहीं है, लेकिन एक 1% में उम्मीद कर रहा हूँ कहीं ना कहीं यहाँ पर यह कविता आजादी को संबोधित भी हो सकती है। अर्थात लोगों में वो एनर्जी होनी चाहिए, वो उत्साह जोश होना चाहिए, ताकि वो समाज से इन बुराइयों को खत्म कर सके, विदेशियों को यहाँ से भगा सके। मैं कोई ऐसी कविता लिखूं जो समाज को बदलने की ताकत रखती हो और लोगों को नया जीवन प्रदान करने वाली हो। आगे देखिए, विकल बेचैन, विकल बेचैन।
पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। उन्मन थे उन्मन, उन्मन अनमने से, अनमना सा होना, मन नहीं लगना किसी भी काम में। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम मन से दुखी होते हैं, बेचैन होते हैं, हम कोई भी काम करते हैं उसमें हमारा मन नहीं लगता है। कवि कहते हैं, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो बादल गरजो। कवि कहते हैं, इस संसार के लोग बेचैन थे, अनमने थे, उनका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। विश्व के, संसार के निदाघ, निदाघ होती है गर्मी, यहां पर आप कह सकते हैं हिंसा, क्रोध, गुस्सा के कारण सकल, सकल सभी के सभी, ऑल जन आदमी, संसार में चारों तरफ हिंसा की आग फैली हुई है, क्रोध की आग फैली हुई है सभी लोगों के अंदर। इस कारण सभी लोग अनमने से हो गए हैं, इन्हीं कामों में भी उनका मन नहीं लगता है, वो बेचैन रहते। तभी आए अज्ञात, ज्ञात होता है जिसके बारे में हम जानते हैं, अज्ञात जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, उपसर्ग का प्रयोग कवि ने किया है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, जब लोग हिंसा की आग से, मरने मारने की आग से, क्रोध की आग से परेशान थे, अनमने से हो गए थे, तभी अचानक कहीं से अनजानी दिशा से बादल आ गए, अनंत के घन, अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, बड़ी मात्रा में, बहुत संख्या में आकाश में बादल आ गए जी। तप्त धरा, तप्त गर्म, जल रही है धरा, धरती, कभी बादलों को कहते हैं, अरे बादलों यह धरती जल रही है। किस चीज से जल रही है? हिंसा की आग से जल रही है, क्रोध की आग से जल रही है। आज एक आदमी दूसरे को मारने को तैयार बैठा है, एक देश दूसरे देश पर अधिकार करना चाहता है, ये सारी भावना लोगों के मन में फैली हुई है। यह धरती उस क्रोध की आग से, वो उस हिंसा की आग से जल रही है। जल से फिर शीतल कर दो, तुम पानी बरसाकर इस धरती को शीतलता प्रदान करो, अर्थात लोगों के मन को शांत कर दो, ताकि वो दूसरे को मरने मारने की बात ना सोचे, उनके मन का क्रोध शांत हो जाए, और बादलों तुम गरज कर बरसने के लिए आ जाओ। अर्थात कवि का कहने का भाव क्या है कि संसार में क्रोध की आग फैली हुई है, हिंसा, हिंसा होता है दूसरों को सताना, मारना, वो स्थिति समाज के अंदर हो गई है। कवि अपने आप को कह रहे हैं कि निराला कवि, तुम कोई एक ऐसी कविता लिखो जिसको पढ़ने के बाद लोगों के मन से हिंसा समाप्त हो जाए, ये क्रोध की आग समाप्त हो जाए, और ये धरती जो जल रही है क्रोध की आग से, हिंसा की आग से, जैसे बादलों के बरसने पर धरती जलती हुई होती है और वह ठंडक उसको मिलती है, वह शांत हो जाती है, ऐसे ही तुम भी कोई ऐसी कविता लिखो जिसको पढ़ने के बाद लोगों के मन का क्रोध का भाव, हिंसा का भाव समाप्त हो जाए। इस कविता को बेटे एक बार आप दोबारा देख लीजिए। बादल गरजो, बादलों आप गरज कर बरसने के लिए आ जाओ, घेर घेर घोर गगन धाराधर, ओ बादलों, संबोधित कर रहे हैं उनको, तुम इस विस्तृत आकाश को आकर चारों तरफ से घेर लो, ललित ललित काले घुंघराले, तुम ललित स्वभाव के हो, कोमल स्वभाव के हो, और काले काले घुंघराले बालों जैसा तुम्हारा रूप आकार है, बाल कल्पना कैसे पाले, जिस प्रकार बादलों के मन में, सॉरी, जिस प्रकार बालक के मन में एक कल्पना जन्म ले लेती है और वह अपना विस्तृत आकार रूप ले लेती है, वैसे ही तुम्हारा पालन पोषण भी विस्तृत आकार में हुआ है। कवि आगे अपने आप को संबोधित करते हुए कहते हैं, विद्युत छवि उर्मे, जिस प्रकार बिजली की छवि बादलों तुम में बसी हुई है, कवि
कवि, तुम अपने अंदर भी ऐसी ही बिजली, ऊर्जा, एनर्जी बसा लो अपने दिल में, क्योंकि तुम्हें इस देश का बहुत बड़ा काम करना है, इस देश को बदलना है तुम्हें, नव जीवन वाले, नए जीवन वाले। कवि जिस प्रकार, कवि अपने आप को कह रहे हैं कि अरे कवि, जिस प्रकार बादलों में ऊर्जा होती है, बिजली की छवि होती है, वैसे ही तुम अपने अंदर भी वो ऊर्जा इकट्ठी कर लो, क्योंकि तुम्हें कोई कविता लिखकर, लोगों को पढ़ाकर, उनके मन को बदलकर एक नए जीवन का संचार उनके अंदर तुम्हें करना है। वज्र छिपा, कठोरता का भाव अपने दिल में बसाकर, छिपाकर एक नूतन कविता फिर भर दो, एक नई कविता तुम लिख डालो, जिससे समाज में बदलाव आ जाए, लोगों के मन में क्रांति का भाव जाग जाए। बादल गरजो, तुम गरज कर बरसने के लिए आ जाओ। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, विश्व की गर्मी के कारण सकल जन, सभी लोग बेचैन और अनमने से हो गए थे, किसी भी काम में उनका मन नहीं लग रहा था। तभी अचानक आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तभी अनजानी दिशा से बहुत सारे बादल आकर आकाश में छा गए। कवि उनको कहते हैं, अरे बादलों, तप्त धरा, यह धरती जल रही है, जल से फिर शीतल कर दो, तुम अपना पानी बरसाकर इस धरती को फिर से शांत कर दो। अर्थात कवि, तुम ऐसी कविता लिखो जिसको पढ़कर इस धरती से गर्मी समाप्त हो जाए, अर्थात धरती पर रहने वाले लोगों के मन में जो हिंसा का भाव है, क्रोध का जो भाव है, वो सबके मन से समाप्त हो जाए, तुम ऐसी कविता की रचना कर डालो। और कवि अपने आप को बादल समझकर कहते हैं, अरे बादलों, गरजो, तुम गरज कर बरसने के लिए आ जाओ। तो बेटे, ये थी हमारी कविता उत्साह, जिसमें कवि ने बादलों को संबोधित किया है और उनसे बहुत उम्मीद कर रहे हैं। यहाँ पर बादलों के लिए संबोधन नहीं है, यहाँ कवि ने स्वयं को ही बादल माना है, अर्थात वो चाहते हैं कि मैं बादलों के समान इस प्रकृति में, इस देश में परिवर्तन ला दूं, समाज के सभी लोगों को मैं सुखी बनाने का प्रयास करूं, मैं कोई ऐसी कविता लिख डालूं जिस कविता को पढ़कर सबके मन से क्रोध समाप्त हो जाए, हिंसा समाप्त हो जाए, एक दूसरे को मरने मारने की बात ना रहे और सब तरफ शांति ही शांति हो, सब तरफ प्रेम की वर्षा ही होती